स्टूडेंट वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल शेख क्लासेस। दोस्तों इस थंबनेल में आपने पढ़ा होगा कि लिखा हुआ है हाई लेवल क्वेश्चन। ये दोस्तों मैंने क्यों लिखा है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको दोस्तों हाई लेवल के क्वेश्चन यहाँ पे कराने वाला हूँ और ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्यों होने वाला है? पहली बात तो इस टाइप के क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा जाता है, और दूसरी बात दोस्तों मैं आपसे कहूँ कि बड़े से बड़े लेवल के क्वेश्चन को हम ओनली सेकंड्स में कैसे सॉल्व करते हैं, ये भी कॉन्सेप्ट आपको इस वीडियो में सीखने के लिए मिलने वाला है। ये बहुत ही बेहतरीन वीडियो दोस्तों। हमने आपसे पहले ही कहा था स्मार्ट बोर्ड तो हमारे पास नहीं है, लेकिन हम आपको स्मार्ट कॉन्सेप्ट सिखा सकते हैं। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। पहले क्वेश्चन से आपको पता लगेगा कि हम किस लेवल के क्वेश्चन आपको कराएंगे और कितना जल्दी आपको करके बताएंगे कि इतना जल्दी आप इस क्वेश्चन को कर सकते थे। बहुत ही बेहतरीन कॉन्सेप्ट होने वाला है। तो चलिए दोस्तों पहले क्वेश्चन के साथ शुरुआत करते हैं। इस तरीके के कॉन्सेप्ट आपको पेड क्लासेस में सिखाए जाते हैं, हम आपको बिल्कुल फ्री सिखा रहे हैं। तो पूरा वीडियो देखिएगा, बहुत आपको इंटरेस्ट आएगा, बहुत सारी नॉलेज इस वीडियो से आपको मिलने वाली है। परसेंटेज के लिए देखिएगा, पहला क्वेश्चन है माय डियर कि रेनू अपनी आय का 20% बचाती है, यदि उसके व्यय में 20% की वृद्धि होती है और आय में 29% वृद्धि होती है तो उसकी बचत में वृद्धि ज्ञात कीजिए। ये जो क्वेश्चन है वो आपको हिंदी और इंग्लिश बोथ लैंग्वेज में साइड में दिखाई दे रहा होगा, क्योंकि स्मार्ट बोर्ड नहीं है, सिंपल बोर्ड है आपका, तो क्वेश्चन बाद में वीडियो पे हमें एडिट करना पड़ता है। अब देखिए दोस्तों इस क्वेश्चन को समझते कितना जल्दी हम इसको कर सकते थे। ठीक है, देखिएगा बेहतरीन कॉन्सेप्ट आपको बताऊंगा मैं। देखिए थोड़ा सा इसमें समझ लेते हैं। समझना क्या है कि भैया हमारी जो आय होती है ना, आय, ठीक है, इसको इंग्लिश में इनकम बोला जाता है। ठीक है, ये बनती है हमारी खर्च। खर्च को हिंदी में व्यय भी बोलते हैं, जो कि इस क्वेश्चन में लिखा हुआ है। ठीक है, प्लस बचत। ठीक है, खर्च को बोलते हैं माय डियर एक्सपेंडिचर। ठीक है, और बचत को बोलते हैं माय डियर सेविंग्स। ठीक है, अब देखिए आय बनती कैसे थोड़ा सा समझ लेते हैं, फिर आपको ऐसा कॉन्सेप्ट देखने के लिए मिलेगा जिससे ओनली सेकंड्स में एक क्वेश्चन सॉल्व होगा। देखिएगा यहां पर माय डियर आपसे कहा गया है कि व्यय और आय और बचत तीनों की बात हुई है। देखिए आय कब बनती है, अब सपोज कीजिए माय डियर मैं कमा के लाया 500, खर्च कर दिया मैंने 100, तो बचा कितना 400, तो 100 और 400 को जोड़ता तो मैं आय हमारी वापस यहाँ पे आ जाती है। ठीक है, ये सभी लोग जानते हैं कि हमारी जो इनकम बनती है वो एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग से मिलाकर बनती है, खर्च और प्लस बचत से। ठीक है, अब ध्यान से समझिएगा माय डियर। अब इसने कहा है रेनू अपनी आय का 20% बचाती है। देखिएगा कुछ नहीं करना माय डियर, कुछ भी नहीं, सिंपल कॉन्सेप्ट है। देखिए रेनू अपनी आय का 20% बचाती है, तो 20% का आपको कुछ नहीं करना, केवल फ्रैक्शन आपको माय डियर बना लेना है। तो एक बटा कितना हो जाएगा 5। चीजों को समझना बहुत ही अच्छे तरीके से आपको समझ में आएगा। देखिए बातें क्लियर होंगी, देखिएगा बहुत ही बेहतरीन कॉन्सेप्ट। इस तरीके का कॉन्सेप्ट आपको पेड क्लासेस में भी नहीं मिलेगा, ये मैं गारंटी के साथ कह रहा हूँ। देखिए इसका मतलब क्या हो गया कि उसकी आय जो है वो 5 है और बचा रही है वो 1 रुपये। ठीक है, तो खर्च कितना कर रही है, देखिए 5 रुपये आय है, बचा रही है 1, तो खर्च कितना कर रही होगी, इनका अंतर 4। ठीक है, तो ये तो होगी माय डियर आय आपकी। ठीक है, ये होगी आपकी बचत, बचा रही है। ठीक है, और ये हो गया आपका व्यय, मतलब खर्च। व्यय ही लिख देते हैं जो कि क्वेश्चन में दिया हुआ है। व्यय या खर्च आप दोनों में से कोई भी चीज़ यहाँ पे पुट कर सकते हैं, लिख सकते हैं मतलब। ठीक है, इंग्लिश में तो मतलब एक ही होता है, हिंदी में दो हो जाते हैं इसके, बस इतना सा अंतर। अब देखिए कुछ नहीं करना है हमको, यहाँ से पता लग गया कि इनकम उसकी 5 है, बचत उसकी 1 है और खर्च उसका 4 है। अब कुछ नहीं करना, देखिएगा रेशियो वाले तरीके से बहुत लोग बताते हैं कि इसको 100 मान लीजिए, ये कर लीजिए, बहुत ही बकवास है, इसको देखिएगा आप। अब आपको कुछ नहीं करना मैडियर, उसने कहा उसके व्यय में 20% की वृद्धि हो जाती है, तो व्यय में 20% की वृद्धि, तो 20 का गुणा कर दीजिए भैया 20% का, तो कितना हो गया टोटल 80%। ठीक है, बात आई समझ में। और कहा गया है कि आय में 29% की वृद्धि हो जाती है, आय में 29%, तो आय में कितने का 29 का मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा माय डियर 145%। हो गया कि नहीं हो गया? अब माय डियर मुझे ये बताइए कि इन दोनों, देखिए ये आय हो गई, ये खर्च हो गया, तो बचा कितना 65%। कितना बचा माय डियर 65%, और यहाँ पे बचत कितनी है 1, तो उसे 1 का डिवाइड दे देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 65%। अगर माय डियर आपको बचत दे रखी होती है यहाँ 3, तो 3 का डिवाइड देते, 4 दे रखी होती है तो 4 का यहाँ पे डिवाइड देते, तो आपका आंसर ओनली सेकंड्स में माय डियर आ जाता। तो जल्दी से दोस्तों इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम आगे बढ़ते हैं, दूसरे क्वेश्चन को बहुत ही बेहतरीन तरीके से यहाँ पे समझने वाले हैं।
तो दोस्तों आपने स्क्रीनशॉट तो ले लिया होगा, थोड़ा सा एक बार रिपीट करके आज इसको समझा देता हूँ कि एक बार में जब नया कॉन्सेप्ट आता है तो समझ में नहीं आता। देखिएगा ध्यान से, मैंने कहा कि 20% वो क्या करती है, बचाती है, इसका मतलब 5 उसकी आय है, 1 वो बचा रही है, तो खर्च कितना कर रही है, 4। ठीक है, अब उसने कहा खर्च में 20% की वृद्धि हो जाती है तो 20 × 4 कितना हो जाएगा, 80%। और उसमें कहा गया है माय डियर कि आय 29% बढ़ जाती है तो आय में कितना हो जाएगा, 29% का यहाँ पे मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा 145। इन दोनों का डिफरेंट देखेंगे, क्यों देखेंगे भैया, ये आय है नई और ये है आपका व्यय नया, तो आय में से व्यय को निकाल देंगे तो बचत बचेगी कितनी, 65%। हमको पहले बचत कितनी दी हुई थी, 1, तो 1 का यहाँ पर डिवाइड दे देंगे, आंसर आपका आ जाएगा। तो दोस्तों कमेंट करके मुझे बताइएगा इसी क्वेश्चन के साथ कि ये कॉन्सेप्ट जो मैं आपको बता रहा हूँ क्या आपने पहले इस तरीके का कॉन्सेप्ट सीखा है, पेड क्लासेस में भले ही सीखा होगा लेकिन मैं बता रहा हूँ फ्री में जो यूट्यूब पर पढ़ाते हैं उसमें आपने ये कॉन्सेप्ट नहीं सीखा होगा। वहाँ पढ़ाया ही इसलिए जाता है कि आपको पेड क्लासेस खरीदने के लिए मजबूर किया जा सके। ठीक है, चलिए दूसरे क्वेश्चन के बहुत ही बेहतरीन तरीके से करने वाले, थोड़ा अच्छा सा लेवल का क्वेश्चन, बहुत ही लेंथी क्वेश्चन और बड़े ध्यान से माय डियर आपको ये समझना है। ठीक है, देखिएगा IIM में 60% लड़के और शेष लड़कियां हैं। ठीक है, 15% लड़के तथा 7.5% लड़कियों की पूरी फीस माफ हो जाती है यदि फीस छूट मिलने वाले विद्यार्थियों की कुल संख्या 90 है। मतलब जिनको छूट मिली है, जिनको डिस्काउंट मिला है फीस पर, उनकी संख्या कितनी है माय डियर, 90 है। उन विद्यार्थियों की संख्या आपको बतानी है जिन्हें 50% फीस छूट मिलती है। ठीक है, यदि यह दिया गया 50% मिलती है, यदि यह दिया गया है कि जिन्हें पूरी फीस छूट नहीं मिलती वह 50% छूट के योग्य है। मतलब जो रह गए हैं 12% आपके 15 और 7.5% से टोटल, वो बचे हुए आपके 50% उसको आपको निकालना है। ये क्लियर सी बात इसमें दी हुई है, देखिएगा ध्यान से समझिएगा, चीज़ें समझ में आएंगी। पहली बात तो इस तरीके का क्वेश्चन अगर एग्जाम में आता है इतना लेंथी तो कन्फ्यूजन हो जाती है बहुत बड़ी, ऐसा लगता है कि सर या बहुत ही लेंथी क्वेश्चन, इसको कैसे अप्रोच किया जाए। देखिएगा ठीक है, कुछ नहीं है, सिंपल सा मेथड आपको हम बताएंगे जिससे चीज़ें क्लियर होंगी। देखिए बॉय एंड गर्ल्स, ठीक है, यही से चीज़ें आपके क्लियर होंगी। देखिए उसमें कहा गया 60% लड़के और शेष लड़कियाँ। देखिए 60% लड़के हैं और शेष मतलब 40% लड़कियाँ होंगी, तो अगर इसका माय डियर रेशियो में बनाना चाहूँ, ये तो परसेंट में है ही है ऑलरेडी भाई, परसेंट में है ही है, तो रेशियो तो आसानी से सभी बना सकते हैं। इसका रेशियो बनाने में क्या है, परसेंट जब परसेंट क्रॉस, 20 से ये 2 बार क्रॉस हो जाएगा और 20 से ये 3 बार क्रॉस, तो बॉय एंड गर्ल्स का रेशियो बन गया 3:2। ये बात क्लियर हुई कि नहीं हुई, हो गई होगी भाई, सिंपल सी बात थी। अब देखिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़े तो उसने कहा गया 15% लड़के और 7.5% लड़कियाँ पूरी फीस माफ हो जाती है। मतलब इनमें से जो फीस माफ हो जाती है वो 15% लड़के, तो 15% लड़कों की फीस माफ हो जाती है तो टोटल हो गया यहाँ पे कितना, 45। ठीक है, और यहाँ से लड़कियों की 7.5 फीस माफ हो जाती है तो माय डियर ये होगी आपका यहाँ पे 15। ठीक है, अब देखेंगे टोटल स्टूडेंट में से कितने परसेंट की फीस यहाँ पे माफ हुई है, तो यहाँ से टोटल निकालेंगे तो ये हो जाएगा आपका कितना, 60। ठीक है, 60 में डिवाइड दे देंगे हम टोटल का कितना, 5, तो 60% हो गया, 5 का डिवाइड देंगे तो ये आ गया आपका 12%। कितना आ गया माय डियर, 12% आपका यहाँ पे आ गया। ठीक है, मतलब 12% स्टूडेंट की, बॉय एंड गर्ल्स की मिलाकर यहाँ पे फीस माफ हुई है। ठीक है, मैं सामने से हट जाता हूँ क्योंकि क्वेश्चन आपको अभी कराना है। अगर माय डियर मैं आपसे कहूँ 12% आपको 90 दिया गया है तो आपका यहाँ पे 4% कितना होगा, 30 होगा कि नहीं होगा, 8% कितना होगा आपका, 60। क्लियर हो गया, इसको यहीं छोड़ देते, आगे बढ़ते, अब देखिए क्या है कि उसमें कहा गया है माय डियर, ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन में कि कहा गया है उन विद्यार्थियों की संख्या ज्ञात कीजिए जिन्हें 50% फीस छूट मिलती है यदि यह दिया गया हो क्वेश्चन में कि पूरी फीस छूट नहीं मिलती वे 50% फीस छूट के योग्य हैं। ठीक है, अब देखिए 12% को छूट मिल रही है, मिल कितने को नहीं रही है, 100% में 88% को। ठीक है,
अब इसमें से आपको निकालना क्या है, 55 50%। तो इसका अगर मैं 50% निकालूं तो आपको पता है माय डियर 44 हो जाएगा क्या, ठीक है। अब माय डियर आपको पता है कि जब 4% आपका 30 है तो 44% आपका कितना हो जाएगा, 330। ये आपका माय डियर हो जाएगा आंसर। कितना सिंपल था ना क्वेश्चन, कितना सिंपल। देखिए 4% आपका कितना हो जाएगा, 30 है ना, या 90% नहीं था, ओनली 90 था, ठीक है, ये परसेंट गलती से लग गया। 12% 90 है, तो 4% कितना हो जाएगा, 30। अगर माय डियर आप इससे समझना, देखिए 4 में मल्टीप्लाई करें 11 का, तो 44 11 का मल्टीप्लाई करें 330, ठीक है। ऐसे आप अंदाजा भी लग जाएगा सीधा सीधा, जब 4% 30 है तो 44% आपका 330 हो जाएगा, 330 हो जाएगा, ठीक है। चीज़ें आपको क्लियर हो रही होंगी, बहुत ही इंटरेस्ट आपको आ रहा होगा। दो क्वेश्चन मैंने कराए हैं और दोनों क्वेश्चन बहुत ही अच्छे लेवल के थे और बहुत ही अच्छे कॉन्सेप्ट के साथ आपको मैंने यहाँ पे समझाया। आगे बढ़ते हैं माय डियर, ये क्वेश्चन आपका जो है वो इनकम टैक्स, बोनस जो होता है ना सेल्स में, बिक्री वाला, कमीशन वाला जो होता है, वहाँ से लिया गया है, ठीक है। और बहुत ही बेहतरीन तरीका मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ इस क्वेश्चन का। तो दोस्तों आपसे हम्बल रिक्वेस्ट मेरे यही रहता है कि जब आप वीडियो स्टार्ट करते हो तो देखिए आजकल ज़्यादातर 90% क्या 99% टीचर जो हैं यूट्यूब पर, सभी के पास स्मार्ट बोर्ड है। तो माय डियर स्टूडेंट, ऐसा लगता है जब आप वीडियो को ओपन करते हो तो ऐसा फील आता है यार स्मार्ट बोर्ड नहीं है, किस तरीके से हम समझाएंगे आपको, क्या तरीका होगा हमारा वो समझाने का। तो ऐसी फीलिंग से आती है क्योंकि जो अट्रैक्शन जो होता है ना वो भी क्वालिटी को देख के भी पड़ता है। हमारे पास इतनी क्वालिटी देने की एबिलिटी तो नहीं है कि हम आपको स्मार्ट बोर्ड से पढ़ा सकें, इसलिए हम आपसे कहते हैं कि स्मार्ट बोर्ड से नहीं, स्मार्ट कॉन्सेप्ट आपको सिखा सकते हैं, ठीक है। तो चलिए तीसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए चीज़ों को समझिएगा, एक सेल्समैन की कुल बिक्री पर 10.2% कमीशन मिलता है। मतलब कोई सेल्समैन है, पहले क्वेश्चन को पढ़ लेते तब आपको समझाएंगे। यदि बिक्री 15,000 से अधिक है हो जाए तो उसे 8.5% बोनस मिलता है। यदि कुल बिक्री 15,000 से अधिक हो और उसकी कुल कमाई 3110 रुपये हो तो उसमें बोनस कितना मिला था। देखिए सिंपल सी बात है कि कोई कंपनी है वो अपने पास जो जॉइनिंग करती है लोगों को, उनसे कहती है कि अगर आप 15,000 तक की एक सेल्स में कुल बिक्री पर 10.2% कमीशन मिलता है, ठीक है। पहले वो कहता है कि आप जितना भी बेचोगे 2%, 2,000, 3,000, 4,000, 5,000 जितना भी बेचोगे उस पर आपको 10.2% मिलेगा ही मिलेगा। लेकिन अगर आप 15,000 से अपर बेच देते हो, ज़्यादा बेच देते हो, तो आपको जो है कंपनी 8.5% और ज़्यादा देगी, 15,000 से ज़्यादा, ठीक है। तो जब इंसान को जब पैसा मिला बेचने के बाद तो उसने पाया कि उसे 3180 रुपये मिले हैं और उसने बिक्री की है 15,000 से ज़्यादा, तो आपको पूछा जो बोनस मिल रहा था, जो 8.5% बोनस जो मिल रहा था उसमें इसके कितने पैसे, ठीक है। टोटल तो 3180 रुपये मिले ही हैं उसको, ठीक है, देख लेते हैं। देखिए ठीक है, चीज़ों को समझ लेते हैं बहुत ही अच्छे तरीके से, यहाँ पर हम समझाएंगे आपको माय डियर। मार्कर मुझे कलरफुल लेने पड़ते इसलिए कि डिजिटल से थोड़ा सा लग जाए। देखिए एक लाइन खींचेंगे यहाँ पर, उस लाइन से पता करेंगे माय डियर कि 15,000 जो था, ठीक है, उस पर तो मिल रहा था उसको 10.2% तो मिलना ही मिल रहा था, ठीक है। और माय डियर स्टूडेंट, अगर मैं आपसे कहूँ कि उसने 15,000 से अधिक बिक्री की, मतलब 15,000 प्लस आप कुछ भी मान लीजिए इस जगह बी बोनस के लिए, ठीक है, बोनस के लिए जो पैसा उसने दिया, तो यहाँ पर 15,000 तक तो उसे मिल रहा था 10.2% और यहाँ से अधिक मिल रहा था माय डियर उसको 8.5%, ठीक है। मुझे बार बार पे कागज़ पे यहाँ देखना पड़ता है, मजबूरी है भाई, क्या करें, ठीक है। देखिएगा अब आपको माय डियर करना क्या, ठीक है, मार्कर चेंज कर लेते हैं। और देखिए माय डियर, अगर इनका रेशियो बनाना चाहें तो 17 छक्का 102 पॉइंट से पॉइंट तो कट ही जाएगा, 17 5 85, तो 6 रेशियो कितना आ जाएगा माय डियर, 5 आ जाएगा। अब किसका रेशियो बनेगा, जो 15,000 से अधिक बिक्री हो रही है उसका भी रेशियो बनेगा। ध्यान से समझिएगा माय डियर कि 15,000 रुपये का वो बेच रहा था तब तक तो उसको 10.2% मिल ही रहा था कमीशन, 15,000 से अपर चला जाता है तो उसको 8.5% एक्स्ट्रा मिल जाता है, बस इतनी सी बात थी।
तो इन दोनों का रेशियो तो बन गया यहाँ पे 6:5 कि 15,000 तक 6 और 15,000 से ऊपर कितना 6:5। चीज़ें क्लियर हुई। अब देखिएगा उसको टोटल कितना मिला, 3180 रुपये। ठीक है, अगर मैं कहता कि उसकी 15,000 की बिक्री पर कितना मिल रहा है 10.2%, तो अगर माय डियर स्टूडेंट मैं 15,000 का, ठीक है, पहले 10.2% निकाल लूँ, ठीक है, तो अगर मैंने इसका 15,000 का 10.2% निकाला तो 1530 आ जाएगा। ठीक है, ये मैं आपको कैलकुलेशन करके बताता, तो थोड़ा सा टाइम भी यहाँ पे लग जाएगा। देखिए 10%, देखिए सीधा सीधा निकाल देते, 10% आपका हो गया कितना 1500, ठीक है, 0.2% हो गया आपका 30, सीधी सीधी सी बात है, ये हो गया, इतना मिलता है। लेकिन उसको मिल कितना रहा माय डियर, उसको मिल रहा है 3180। ठीक है, अब देखिएगा कि अगर उसे 15,000 तक 1530 मिला था, लेकिन उसकी कमाई टोटल जो है वो कितनी है 3180, तो यहाँ से हम इसको माइनस कर देंगे, तो 0 यहाँ पे कितना 5, यहाँ से 31 में से 15, तो ये 16 बचा, 1650। अब 1650 जो मिला था वो कम मिला था उसे 15,000 से अधिक की बिक्री पर, जो पैसे मिले 1650 जो एक्स्ट्रा मिले वो 15,000 प्लस की बिक्री पर मिले, और 15,000 प्लस बोनस की जो बिक्री थी, बोनस जो मिलना था उसको, वो 6:5 में। ठीक है, तो यहाँ पे ये टोटल कितना हो रहा है 11 हो जाएगा 1650, तो 1:1 की वैल्यू आ जाएगी माय डियर 11 × 11 11×5 55 150 आ जाएगी। ठीक है, अब आप ये कहेंगे सर ये क्यों लिया आपने, ये इसलिए लिया है माय डियर कि उसको 10.2% भी मिल रहा है 15,000 से ऊपर, वो तो मिल ही रहा है, और एक्स्ट्रा जो मिल रहा है वो भी मिल रहा है, तो दोनों मिला के यहाँ पे 11 हो गए। 1:1 की वैल्यू यहाँ पे कितनी होगी 150 हो गई। आपसे पूछा बोनस वाला, तो बोनस वाला कितना था 5, तो 5 का माय डियर इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा 750 रुपये। बोनस का जो पैसा मिला उसे कितना मिला 750 रुपये। ठीक है, और कमीशन वाले क्वेश्चन में बहुत ही बेहतरीन कॉन्सेप्ट आपको बताया था, यूट्यूब पे आप सर्च कर सकते हैं कि कमीशन वाले क्वेश्चन जो हैं भाई हरीश सर इस तरीके से, भैया इतना इंग्लिश आता तो बोल देता हूँ। ठीक है, अब देखिए माय डियर एक क्वेश्चन मैंने यहाँ पे चुनाव से संबंधित भी डाला हुआ है। ठीक है, अलग अलग टाइप के क्वेश्चन इस वीडियो में आपके लिए लेके आऊँ, जिससे सारी चीज़ें आपको माइंड में ही क्लियर हो जाएंगी कि हमें किस तरीके से क्वेश्चन में अप्रोच लगाना है विदाउट एक्स वाई के। अब ये तरीके जो होते हैं ना वो पेड क्लासेस में टीचर्स आपको सिखाते हैं, ठीक है, और हम आपको बता रहे हैं फ्री, ठीक है, और हम आपको फ्री ही पढ़ाएंगे, ठीक है, चाहे हमारे सब्सक्राइब कितने भी हो जाए, और आप लोगों का सहयोग रहा तो हम डिजिटल बोर्ड से भी किसी दिन पढ़ाएंगे आपको। ठीक है, फिर हमको इतना घिसा घिसी नहीं करनी पड़ेगी, पर तो क्लिक किया रफ, हर टीचर का सपना होता है भाई कि वो भी डिजिटल बोर्ड पे पढ़ाए। देखिएगा, एक चुनाव में मतदाता सूची में 10% मतदाताओं ने अपने वोट नहीं डाले, और 60 मतदाताओं ने मत पत्र पर खाली वोट डाले, केवल दो ही उम्मीदवार थे, विजेता को मतदाता सूची का 47% मत मिला और वह 308 वोटों से जीत गया, सूची में मतदाताओं की संख्या क्या थी। देखिएगा, कुछ नहीं है, देखिए मतदाता सूची अपने आप पर 100% होगी। मतदाता सूची क्या होती है, जो वोटिंग लिस्ट आती है ना, वोटिंग लिस्ट आ गई भैया, किस किस के नाम है देख लीजिए, वो होती है मतदाता सूची। ठीक है, तो यहां पे लिखेंगे माय डियर मतदाता सूची, चीजों को समझना बड़े ध्यान से, मतदाता सूची होती है माय डियर अपने आप में 100%। ठीक है, समझ लेते हैं, मार्कर को रख देते हैं ब्लू को साइड में। ठीक है, देखिएगा 10% मतदाताओं ने मत नहीं डाला, ठीक है, ध्यान से समझिएगा, 10% ने नहीं डाले, 10% ने नहीं डाले, ठीक है, तो बचा कितना यहाँ पे 90% रह गया ना जिनके वोट डले होंगे। अब इसमें से कितने वैध थे, खराब हो गए और ठीक से नहीं छपे, या किसी ने खाली पेज डाल दिया जिस पे वोट का निशान नहीं लगाया, कुछ भी आ सकता है, वैध अवैध कुछ भी। ठीक है, इस नंबर भाई ये तो डाले नहीं गए, तो इसमें तो वैध अवैध निकालना ही बेकार है, और या फिर किसी ने खाली छोड़ा होगा, जब वो गए नहीं तो खाली कहाँ से छोड़ देंगे, तो वो तो अलग हटा दिया हमने कि 10% नहीं डले, बाकी के डले 90%। ठीक, अब माय डियर एक बात बताइए, इस 90% में से ही जीत हार होगी कि नहीं होगी, तो इस 90% में से एक होगा, ठीक है, विनर और एक होगा लूजर। ठीक है, विनर जो था उसको मतदाता सूची का 47% मिला है,
देखिए मतदाता सूची कौन सी 100%, अगर इसका 47% किसको मिला, इसका 47% मिला है विनर को, तो इसका 40% के 47% कितना हो गया, 47 हो गया कि नहीं माय डियर। बाकी का बचा कितना, वो इसमें से माइनस किया जाएगा, नहीं इसमें से नहीं, इसको इतना मिला है वो बात उसने बताई है, बचा कितना भाई, हार जीत तो इसमें से होगी, तो 47-90 में से जाएगा, तो यहाँ पे लूजर जो था, हारने वाला जो था, उसको 43% मिला। ठीक है, अब जीतने वाला जो था वो 308 वोटों से जीत गया। ठीक है, यहाँ से देखिए जीतने वाला 4% से जीत रहा है, और वहाँ से कितने से जीत रहा है, 308 से। अब 308 में इसका डिवाइड नहीं देंगे, क्योंकि माय डियर यहाँ से पूरा 100% का 47% यहाँ पे लिया गया था, तो जो 60 वोट नहीं छपे वो भी तो इसमें ही होंगे ना, अंदर होंगे कि नहीं, इसमें वो 60 वोट पे प्रिंट नहीं लगाया, किसी ने खाली डाल दिए, वो 60 भी इसमें से माय डियर माइनस हो जाएंगे, तो 4% प्रॉपर तरीके से हो जाएगा आपका माय डियर 348 के बराबर। ठीक, कितने के बराबर हो गया, 248 के बराबर। थोड़ा सा यहाँ माइनस गड़बड़ हो जाए, देख लो अभी आंसर गलत आ जाता, बच्चे कहते कमेंट करके सर आपने तो गलत कर दिया, अगर मैं नहीं देखता अपने पर्चे में, हो जाता है भाई 248। ठीक है, यहाँ से बाहर से जैसे साउंड आने लगता मेरा भी दिमाग थोड़ा सा ख़राब हो जाता। देखिए 4% इतने के बराबर, तो 100% कितना होगा, 248 अपॉन कितना, 4 × 100। ठीक है, तो 4 × 6 = 24, 4 × 2 = 8 = 6200। ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा 100% आपका आंसर। मतदाताओं की संख्या कितनी थी, 6200 थी। ठीक है, कितने लोगों ने वोट नहीं डाला, 10% निकाल देंगे इसी का। कितने लोगों ने वोट डाला, 90% निकाल देंगे इसी का, 6200 का। आगे बढ़ते हैं, ठीक है, आगे बढ़ते हैं माय डियर, और अब करते हैं पॉपुलेशन से रिलेटेड क्वेश्चन। ठीक है, बहुत ही बेहतरीन, छोटा सा क्लास है हमारा ये, लेकिन धमाकेदार क्लास है, बहुत ही बेहतरीन कॉन्सेप्ट इस क्लास में मैं आपके लिए लेके आया हूँ। और दोस्तों मैं चाहता हूँ कि एक एक घंटे दो दो घंटे का वीडियो मैं भी बना सकता हूँ, लेकिन इतना अपलोड नहीं हो पाता हमसे, ठीक है, क्योंकि डाटा भी एक्चुअल होता है। देखिए, और दूसरी बात, मैंने आपको ऑप्शन यहाँ पे नहीं बताए थे, ऑप्शन साथ ही साथ आपको दिखाई दे रहे होंगे क्वेश्चंस में, ये मैंने आपसे कह दिया था, नहीं कहा था फिर भी अब कह दिया। देखिए, किसी शहर की जनसंख्या प्रथम वर्ष 16 से 2/3% बढ़ी, द्वितीय वर्ष 37 से 1/2% बढ़ी, और तीसरे वर्ष 57 से 1/7% घटी, और जनसंख्या वर्तमान में 1,65,000 हो गई, तो 3 वर्ष पहले ये प्रोसेस होने के बाद वो जनसंख्या रहेगी 1,65,000, तो 3 वर्ष पहले जो प्रॉपर तरीके से जो पॉपुलेशन थी वो कितनी थी, कुछ नहीं। देखिएगा, पहले आपको दिया है यहाँ पे 16 से 2/3%, ये परसेंट बड़े टेढ़े होते हैं, और आपने एक और वीडियो परसेंटेज का मेरा इससे पहले वाला ना देखा हो ना, उसको थोड़ा सा देख लीजिएगा, मैंने फ्रैक्शन को बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ समझाया था, तो कौन सी चीज़ क्या होती है। और तीसरा दिया है आपको माय डियर 57 से 1/7, 57/7%। ठीक है, आप देखिए, ना तो हमें पेज की जरूरत है, ना ही इस मार्कर की ब्लू की, दोनों को रख दिया हमने साइड में। देखिए 16 से 2/3% होता है आपका 1/6 फ्रैक्शन। ठीक है, ये होता है आपका 3/8, जो सबसे ज़्यादा आपका एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है, ये फ्रैक्शन बार बार पे दोनों ये जो रिपीट होते हैं ये बहुत कम होता है, ये होता है आपका 4/7। ठीक, तो ये जो फ्रैक्शन याद होते हैं ना, वो याद करने नहीं पड़ते माय डियर, इनका एक सीधा सा प्रोसेस, आप जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना ही ज़्यादा आपको ये याद रहेंगे। चीज़ें क्लियर हुई, देखिएगा फ्रैक्शन का मतलब भी मैंने समझाया था कि नीचे वाली संख्या होती है वो मूल संख्या, ऊपर वाला उसका उतना परसेंट। देखिए, जैसे मैं कहता कि मेरे पास संख्या है 6, और उस संख्या का अगर मैं 16 से 2/3% निकालता ना तो 1 आता, मेरे पास संख्या है 8, उसका मैं 37 से 1/2% निकालूंगा तो 3 आएगा, मतलब मूल संख्या आपकी नीचे वाली होती है ऊपर उसका ये परसेंटेज होता है इससे। ठीक है, अब देखिएगा,
अब सपोज कीजिए जनसंख्या पहले 16 से ही 2/3% बढ़ी, तो स्टार्टिंग की जनसंख्या हमको नहीं पता, तो हम लिख देंगे यहाँ पे एक्स, ठीक है, मल्टीप्लाई सीधे सीधे करते जाएंगे, अब क्या करना है कुछ नहीं। अब देखिएगा माइडी सॉरी, देखिए 6 थी, 6 से एक बढ़ी, मतलब 16 से ही 2/3 इसका एक है, इसका एक हिस्सा जो है ना 6 का वो 16 से ही 2/3% ये एक ही है, ठीक है, 16 से 2/3% मतलब 6 से कितनी होंगी 7, तो कितना लिख देंगे 7/6, ठीक है। यहाँ भी बढ़ी है, यहाँ भी बढ़ी है, तो इसको कर देंगे 8 और 3 11 11/8, ये बढ़ी, ये घटी है, ये घटी है, तो 7 में से या 4 गया तो कितना बचा 3/7, बराबर ये प्रोसेस होने के बाद ये हो गया आपका 165,000 आपकी जनसंख्या हो गई, ठीक है। कैलकुलेशन कर लेंगे माय डियर, 7 से 7 गया, 3 से 2 गया, 2 से हो गया 8, 11 से इसको काटेंगे, 11 = 11, 11 × 55 ये हो जाएगा 15,000, ठीक है, नीचे आ गया 8 × 2 = 16, ठीक है। तो x बराबर हम निकालेंगे तो 15,000 × हो जाएगा 16, ठीक है, तो 3 0 तो यही हो गया माय डियर आपका 16 × 5 = 80, 16 × 16 = 24, ये और आ जाएगा, मतलब 240,000 आपका आंसर आ जाएगा। ऑप्शन आप साथ ही साथ माय डियर चेक करते चलिएगा, ऑप्शन आपको साइड में दिखाई दे रहे होंगे क्वेश्चन के साथ, ठीक है। और क्वेश्चन कराने के बाद मैं हटता क्यों हूँ उसका रीज़न मैं आपको बता देता हूँ, मैं हटना इसलिए हूँ माय डियर कि आपको जो है प्रॉब्लम ना हो देखने में, क्वेश्चन का सॉल्यूशन एक तरफ, क्वेश्चन एक तरफ, ठीक है, चीज़ें क्लियर हो, आगे बढ़ते हैं माय डियर, ठीक है, रफ करते हैं पहले तो इसको। अब ये है नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो एग्जाम से रिलेटेड, ठीक है, देखिए देखिएगा 900 अधिकतम अंकों में से ए ने एक विषय में 72% अंक प्राप्त किए और दूसरे विषय में अधिकतम 700 अंकों में से 80 अंक प्राप्त किए, ठीक है, यदि परिणाम दोनों विषयों को सम्मिलित प्रतिशत पर आधारित हो तो कुल परसेंटेज बताइए। देखिए मतलब एक विषय जो था वो 900 का था, ठीक है, आदमी तो आपका एक ही है यहाँ पे, ठीक है, देखिए ये फर्स्ट सब्जेक्ट हो गया, ये सेकंड सब्जेक्ट हो गया, ये था 900 का था माय डियर और ये था माय डियर कितना 700 का था, ठीक है। अब देखिए अब इनका रेशियो निकालना बहुत ही आसान है, रेशियो भैया 9:7 कितना आ जाएगा 7, तो ये हो जाएगा 9:7, मैं डायरेक्ट ही यहाँ पे लिख देता हूँ, काट लोगे 2 0 से 2 0, ठीक है। अब देखिएगा माय डियर पहले में 72% और दूसरे में 80%, ठीक है, चीज़ें क्लियर हुई, देखिए पहले में 72% दूसरे में 80%, पहले में 72% और दूसरे में 80%, ठीक। अगर मैं कहता दोनों में आपका 72% बढ़ता तो दोनों का जब टोटल निकाला जाता तो 72% बढ़ता, ठीक है, यहाँ रेशियो की वजह से थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। देखिए अगर मैं इस 80% को या 72 + 8% लिख दूँ तो कोई फ़र्क पड़ेगा, ठीक है। अब वो फर्क किसकी वजह से आ रहा है, इसकी वजह से 8%, चीज़ों को समझना, 8% का जो फर्क आ रहा है माय डियर वो किसकी वजह से आ रहा है, ठीक है, वो आ रहा है आपका 8% की वजह से, तो 72 तो बढ़ना ही बढ़ना था, ठीक है, 72 तो माय डियर बढ़ना ही बढ़ना था, ठीक है। यहाँ से बहुत ज़्यादा साउंड आता है, देखिए तो यहाँ पे लिख देंगे माय डियर 72 तो है ही आपका, ठीक परसेंट प्लस, ठीक है, ये बढ़ रहा है इसकी वजह से, तो 8 × 7 कितना हो जाएगा 56, ठीक है। और ये जो 56 है माय डियर 56 जो परसेंट है वो इन दोनों रेशियो में ही तो बढ़ेगा भाई, इकट्ठा पूछा है तो दोनों 9 और 7, देखिए एवरेज वाले क्वेश्चन आपने किए होंगे इस तरीके से, 16 का इसमें हम डिवाइड दे देंगे माय डियर, तो ये आ जाएगा 72% प्लस 16 × 3 = 48 और 16 × 5 = 80, ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 3.5%,
तो ये आ जाएगा आपका 75.5%। ठीक है, ये आपका आंसर आ जाएगा, ये आपका माय डियर क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, एक लास्ट क्वेश्चन और इसमें हम करते हैं माय डियर। यहाँ पे 6 क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हो चुके हैं, एक लास्ट क्वेश्चन और है, इसको और देख लीजिएगा, फिर आप फ्री हो जाएंगे, लेकिन आपको नॉलेज बहुत मिली होगी इस वीडियो से। ठीक है, देखिए ध्यान से समझिएगा, एक परीक्षा में ए ने बी से 10% अधिक, बी ने सी से 20% अधिक, किंतु सी ने डी से 32% कम प्राप्त किए। यदि ए और सी के, ए को सी से 272 अंक अधिक मिले तो बी को कुल कितने अंक मिले। ठीक है, देखिए यहाँ पे लोग कितने हैं, 1 2 3 4, ए बी सी डी, ए बी सी और डी। ठीक है माय डियर स्टूडेंट, इसको समझ लेते हैं। अब इसमें गलती लोग क्या करते हैं वो थोड़ा सा देख लेते हैं। ए ने बी से 10% अधिक, ए ने जो है 10% अधिक, ठीक है, बी ने सी से 20% अधिक, ठीक है, और सी ने डी से 32% कम, सी ने डी से 32% कम। देखिएगा यहाँ पर चीज़ों को समझने की बहुत ज़्यादा आपको ज़रूरत है। देखिएगा स्टूडेंट गलती क्या करता है इसमें, वो सोचता है कि यहीं से कमा भरी हो रही है, भैया यहाँ पे ले लीजिए 100, फिर कम कर दीजिए, फिर इसका 20% निकालने में कितनी दिक्कत होगी। लेकिन क्वेश्चन में देखा जाए तो केवल यहाँ से यहाँ तक की कैलकुलेशन की बात की है, तो जो भी संख्या होती है अपने आप 100% होती है, सी भी होगा वो भी अपने आप 100%, डी भी होगा अपने आप 100%, बी भी होगा अपने आप 100%, ए भी होगा अपने आप 100%, इतना क्या घेसला करने की ज़रूरत है। जब कैलकुलेशन यहाँ से यहाँ तक की दे रखी है तो इसको तो जरूरत ही नहीं है, यहीं से सीधा ले लीजिए आप 100% ले लिया। अब ये इससे कितना ज़्यादा है, 120%, ये इससे कितना ज़्यादा है, 10% इसका 12 और 120 कितना हो, 132, इसकी ज़रूरत ही नहीं थी हमको, यहाँ ऐसे भी घुमाया जाता है क्वेश्चन को। अब देखिएगा आपसे कहा गया ए को सी से 272 अधिक मिले, यहाँ से देखिएगा मान लीजिए ए को सी से, ए को मिले हैं सी से 272, ठीक है, और यहाँ कितना परसेंट, 32 272 के बराबर हो गया कि नहीं। सीधा सीधा 100% यहाँ पे हम निकाल देंगे, लेकिन आपसे 100% नहीं पूछा गया, आपसे बी पूछा गया है। देखिएगा तो यहाँ पे हम सीधा जल्दी कैसे करते, कि बहुत से लोग करते हैं 1% की वैल्यू 2% की वैल्यू, यहाँ सीधे सीधे हमको पता है 272, ठीक है, बट्टे कितना यहाँ पे 32, और पूछा क्या गया आपसे एक बी, बी का हिस्सा डायरेक्ट यहाँ पे लिख दीजिए, टोटल 100% तो था ही सी का आ जाता है, यहाँ से कम कीजिए ज़्यादा कीजिए, वो वाली प्रोसेसिंग यहाँ पे बाद में होती है, लेकिन उसकी ज़रूरत नहीं थी हमको, तो हम जो इतना पूछा गया उतना करेंगे, क्यों करेंगे फालतू का, 120 हो गया यहाँ पे, हो गया तो यहाँ से इसको हम काट देंगे। ठीक है, तो 4 से कट जाएगा ये 8 से, 8 एकम 8, 8 5 40, 15 बार, 8 चौका 32, 4 बार, 4 से काटेंगे इसको, ये हो जाएगा माय डियर 4 6 24, 4 8 32 गुणा कितना 15, ठीक है, 15 8 120, 15 6 90 102, ये आ रहा होगा आंसर, आप ऑप्शन चेक कीजिएगा। ठीक है, मैं भी चेक कर लेता हूँ ठीक है कि नहीं, ठीक है माय डियर। ठीक है, तो माय डियर स्टूडेंट जो आपने स्टार्टिंग में पढ़ा था ना हाई लेवल क्वेश्चन, वही चीज़ें हैं। ठीक है, अब इससे भी हाई लेवल के हो सकते हैं, उसको भी हम नेक्स्ट पार्ट में लाएंगे, और नेक्स्ट पार्ट में हम लाने वाले हैं लॉस एंड प्रॉफिट के बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन। लॉस एंड प्रॉफिट जो होता है ना उसके एक से एक अच्छे लेवल के क्वेश्चन बनते हैं, और जो बड़े बड़े क्वेश्चन बनते हैं उन्हें कैसे चुटकियों में सॉल्व करना है वो भी मैं आपको उस वीडियो में बताऊंगा। तो दोस्तों अभी आपसे केवल इतना कहूंगा, यदि आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, हमारे चैनल से अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।